केवल एक शब्द लिख लीजिए, गुड फेथ। ये शब्द आपकी भाषा का हिस्सा है गुड फेथ? कभी किसी ने आपसे कहा हो कि मैंने तो गुड फेथ में ऐसा किया था? कितने लोगों ने सुना है शब्द बताइए? गुड फेथ, बताओ क्या मतलब होता है? भरोसे में किया था, ठीक बात। और बैड फेथ क्या होता है? होता है, बैड फेथ भी होता है। बैड फेथ कितने लोगों ने सुना है आप में से? गुड, अरे वाह, दो लोग बताइए। समझ लो बुरे भरोसे पे किया है। दुर्भावनापूर्ण तरीके से किया, बैड फेथ, दुराभाव। यस 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 यस, ये है ना बच्चा। उठो जरा, पहले नाम बताओ अपना। निलय श्रीवास्तव, हाँ बताओ क्या होता है बैड फेथ? शब्द सही बताया था आपने, व्याख्या बिगड़ गई। आपका वैकल्पिक विषय क्या है? हिंदी साहित्य है? नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि बैड फेथ जो है ना, एक कंसेप्ट है जो फिलोसफी के पाठ्यक्रम में है, तो मैंने अज्यूम किया कि हो सकता है इनका विषय फिलोसफी हो, इसलिए ये बता पा रही हूँ उससे। यार बैड फेथ एक व्यक्ति का कंसेप्ट है, उस व्यक्ति का नाम है जीन पॉल सार्त्र। इनका नाम सुना आपने? तो सार्त्र का कंसेप्ट है बैड फेथ, इसका मतलब है, इन्होंने शब्द एकदम सटीक बोला था, आत्मप्रवंचना। आत्मप्रवंचना का मतलब खुद को बेवकूफ बनाना, ये होता है बैड फेथ। आपको पता है कि आप किसी मामले में ठीक स्थिति में नहीं है, पर खुद को ही धोखा देते रहना, इसको बोलते हैं बैड फेथ। तो बुरी बात होती है। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल पता क्या है? जैसे मान लीजिए, देखो भारत में शादियां दो प्रकार की होती है, एक प्रेम विवाह, एक फूफा विवाह, जो फूफा जी जाके करते हैं फाइनल, है ना। इसका फूफा उसका फूफा मिलकर फाइनल करते हैं कि इन बच्चों की शादी होगी, है ना। जैसे क्या बोले, अरेंज मैरिज बोलते हैं। तो अरेंज मैरिज, अच्छा इनमें से कौन सा विवाह ज्यादा सफल होगा कहना बड़ा मुश्किल है। दोनों में विफलता की पर्याप्त संभावनाएं होती हैं, और दोनों में सफलता की संभावनाएं भी ठीक ही होती है। ये लफाजी है कि प्रेम विवाह ज्यादा सफल होगा या ज्यादा फेल होगा, कहने की बात है, बेकार की बात है। दोनों में संभावनाएं बराबर है। तो मान लीजिए कि आपने अरेंज मैरिज की, पापा ने कहा बेटा तुम्हारे लिए दूल्हा ढूंढ लिया है, आपने कहा पापा बचपन से आपने मुझे पाला है, आप मेरे बारे में गलत फैसला कैसे कर सकते हैं, आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं, आपने तय किया ठीक ही किया होगा पापा। तो पापा कह रहे बेटा फोटो देखोगे? नहीं पापा, क्या फोटो देखनी है, आपने देख लिया ना, आप गलत कैसे फैसला कर सकते हैं, मैं आपकी आंखों की तारी हूँ, राजकुमारी हूँ, कैसे गलत हो सकता है। पापा की आंख से टप टप आंसू गिरे, आपकी आंख से भी टप टप आंसू गिरे, पर पापा ने तभी फोन घुमाया और कहा कि बेटा फाइनल समझो, बेटी ने हाँ बोल दिया है और शादी की डेट फाइनल हो गई और ठीक हो गया, है ना। फिर शादी हो गई, ठीक है, लड़का देखने में ठीक ठाक है, मतलब जैसा मतलब फादर से उम्मीद थी आपको वैसा उन्होंने किया, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ही खराब पीस चुन लिया आपके लिए, ठीक देखा है ना। मान लीजिए कि शादी नहीं चल पाई, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन क्या भरोसा दुनिया में, मान लीजिए नहीं चल पाई, तो उसके बाद आप जीवन भर एक खास तर्क के साथ गुजारेंगे जीवन, उसको बोलेंगे बैड फेथ। कि मुझसे पूछा होता ना तो ऐसा नहीं होता, पापा ने कर दी, उनकी गलती है, इसको बोलते बैड फेथ। अगर ऐसा होता ना तो मैं तो ये कर देता, ये जो है इसको बोलते बैड फेथ। जब मौका मिला तो आंसू भागे भाग लिए वहां से, तो फैसला नहीं किया, अपना अधिकार मांगा नहीं, पर जब फैसला गलत पड़ गया तो ठीकरा दूसरे पे फोड़ दिया। अगर ठीक हो जाता फिर क्या बोलते, मुझे पता था मेरे पापा ठीक फैसला करेंगे, तब पापा नहीं, मुझे पता था कि पापा ठीक फैसला करेंगे, तब केंद्र में मुझे आ जाएगा, मुझे पापा किसके हैं, तब केंद्र में आ जाएगा ये पापा किसके हैं। तो जल्दी से लौटो सेक्शन 21। सेक्शन 21 में एक शब्द है गुड फेथ। गुड फेथ का मतलब है अच्छी नीयत से, अच्छे विश्वास से, अच्छे भरोसे से। अच्छा, सूचना के अधिकार में एक और अधिकार भी है। आप कहें कि भाई आप दो मत कागज, हम वहीं आके देख लेंगे, दिखा दो बस हमें आप, इसको बोलते राइट टू इंस्पेक्शन।
तो आप ये कह सकते हैं कि मुझे 500 पेज की सामग्री देखनी है, पर मैं फोटोकॉपी के पैसे नहीं दे सकता, मैं वहीं आकर देख लूंगा ना, देख के वापस कर दूंगा आपका सामान, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। तो सूचना के अधिकार में लिखा हुआ है कि सूचना के अधिकार में ये राइट भी है, इंफॉर्मेशन मंगवाने का भी है और सरकारी ऑफिस में जाके इंफॉर्मेशन को देखने का भी राइट आपके पास है। इंस्पेक्शन बोलते हैं उसको, निरीक्षण। अगर आप निरीक्षण करने के लिए जा रहे हैं, देखो बड़ा अच्छा बता रहा हूँ, कभी कभी क्या होता है, गर्मी बहुत ज्यादा है, धूप बहुत ज्यादा है और आप बाहर झुलस रहे हैं, आपका मन करेगा कि छांव मिल जाए बैठने के लिए, और सामने सरकारी ऑफिस में एसी चल रहा है, आपका मन करे अंदर चला जाऊं, अंदर के भगा दिया उन लोगों ने, अगली बार से बोलना सूचना के अधिकार में आया हूं मैं, इंस्पेक्शन करना है सूचना का। तो पहला जो 1 घंटा है, पहला 1 घंटा वो फ्री है आपको सिर्फ ऑफिस चेंज करते जाने के घंटे में, और पूरा दिन एसी में निकाल सकते हैं बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। बस 10 चिट्ठियां भेज के रखो और फिर जाके वहां पर 1-1 घंटे में मैनेज करते रहो। और रोचक बात है कि जब 10 चिट्ठियां भेजेंगे, हर चिट्ठी 10 रुपए लग जाएंगे, उससे सस्ता ये पड़ेगा। 1 घंटे के बाद प्रति घंटा जो है 5 रुपए है, तो प्रति घंटा 5 रुपए। आप ये भी कर सकते हैं, जैसे लाइब्रेरी में जाने का मन कर रहा हो, उनके पास जाओगे सूचना देखनी है, कहेंगे लो देखो, आप बोलोगे 10 घंटे पढ़ूंगा मैं, जाओ सूचना साइड में करो, अपनी किताब निकालो, पढ़ना शुरू कर दो, और दिन भर का 50 रुपये हुआ, सस्ता ही पड़ा, ठीक है या महंगा पड़ गया अच्छा मुझे पता नहीं क्या होता है, पर चलिए। तो कुल मिला के क्या है कि इंस्पेक्शन का राइट भी है, और इंस्पेक्शन में पहला 1 घंटा फ्री होता है, और उसके बाद प्रति घंटा 5 रुपये होता है। क्या पीएम मोबाइल फोन रखते हैं, और यदि रखते हैं तो उनका नंबर किसके पास होता है? ये भी सूचना के अधिकार से मांगे उनका नंबर भी। आईएएस को एसडीएम के पद पर कितने समय तक रहना पड़ता है? आईएएस को जब उसकी ट्रेनिंग हो जाएगी तो वो एडीएम बनता है। एडीएम, एडीएम एसडीएम से थोड़ा सा ऊंचा पद है, तो एसडीएम मेरा ख्याल है वो ट्रेनिंग का पार्ट है, और ट्रेनिंग में मेरे ख्याल से 2-4-6 महीने का मामला होगा, फिर तो वो एडीएम बन जाएगा। बीसीएस के थ्रू जाएंगे तो एसडीएम बनेंगे। आईएएस में किसी किसी राज्य में एसडीएम का टेन्योर थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से 6 महीने से ऊपर नहीं होना चाहिए।